हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत समेत आर्म फोर्सेस ने अपने कई नायकों को खोया। ऐसे ही एक नायक के परिवार से, शहीद विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के परिवार से उनकी पत्नी कामनी चौहान, उनकी माता जी और उनका बेटा, अभी थोड़ी देर पहले हम उन्हें देख पा रहे थे स्क्रीन पर, इस वक्त हमारे साथ हैं। कामनी जी, आप जी न्यूज़ पर हैं मैम, मेरे पास आपके लिए मैम कोई सवाल नहीं है। मैं चाहती हूँ आज आप बोलें जो आप कहना चाहती हैं, जो आप कहना चाहती हैं करोड़ों देशवासियों से, जो आप कहना चाहती हैं अपने परिवार के सदस्यों से भी, और जो आप कहना चाहती हैं इस देश के लोगों से। Look, even I don't want to answer any question because it is not done also to ask that what, how do you feel, what happened when you got the news. I just want to say I am proud that nation is supporting and respecting my husband. I am a proud officer's wife. And I am really glad that my whole Air Force extended family is with me. And that is what is a pilot wife na. And other than this, I just want to say, look, I have to be strong for my kids. My husband was always there. So, and we as defense officers now, we just want respect from the nation, nothing beyond that. Because we all know we have an extended family in our fraternity. He lost all previous unit. They were beside me, they will be with me. And I am proud of my husband. Ma'am, एंकर्स की लाइफ में भी ऐसे लम्हे आते हैं टीवी पर जब हमारे पास शब्द नहीं होते हैं। मेरे पास भी मैम शब्द नहीं है। आप कह रही हैं आपको अपने पति पर फख्र है, यकीन मानिए हर देशवासी को आपके पति पर फख्र है। वो सिर्फ आपके परिवार के नहीं, वो इस देश के बेटे हैं, और आपकी तकलीफ, आपकी पीड़ा हम सब महसूस कर सकते हैं। मैम, आई एम प्राउड ऑफ माई हस्बैंड, मुझे गर्व है। और एज डिफेंस पीपल ना, हम लोग सिर्फ एक इज्जत चाहते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज मेरा पूरा एयरफोर्स परिवार मेरे साथ है, तैयार देर विद मी हमारे साथ है, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, क्योंकि हमारा अपने परिवार के अलावा ना यही एक परिवार होता है सबसे ज्यादा। देश को गर्व है। एंड इवन आई एम प्राउड ऑफ माई हस्बैंड। और शायद मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए स्ट्रांग रहना है। इस पेरेंट्स, उनके माता पिता भी हैं। आई एम देयर, आई विल बी अ स्ट्रांग लेडी, क्योंकि एक पायलट की वाइफ, दैट टू एयरफोर्स ऑफिसर वाइफ, शायद हमें स्ट्रांग होना आ जाता है। I know he is there, है वो मेरे साथ। बाकी मुझे और कुछ नहीं कहना। कामनी जी, कल हमने एक तस्वीर देखी थी। मुझे नहीं लगता इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसने वो तस्वीर देखी होगी और उसकी आंखें नम नहीं हुए होंगी या चोक नहीं हुए होंगे वो, जब आपके बेटे ने अपने पिता की कैप को अपने सर पर लगाया। यही तो है शायद ब्यूटी ऑफ इंडिया, कि वी आर देयर फॉर आर कंट्री सोल्जर्स। शायद हमारे देश में यही सबसे अच्छी चीज है। एंड आई एम रियली, मतलब उन सभी लोगों के लिए आई विल से थैंक यू स्टैंडिंग बिसाइड मी, मेरे साथ खड़े होने के लिए, चाहे वो जानते हैं नहीं जानते हैं, पर हमें याद कर रहे हैं। दिल से शुक्रिया एंड थैंक यू। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, शब्द नहीं है, मैंने शब्द हूं,
कई बार ऐसे लम्हे आते हैं मैम कि हमारे पास भी शब्द नहीं होते मैम। और मैं आपको इस वक्त मैं कुछ भी आपसे कहूंगी वो नाकाफी होगा, लेकिन आप इस देश के लोग, इस देश के नागरिक अपने हीरोज को जानना चाहते हैं, विंग कमांडर चौहान के बारे में जानना चाहते हैं, और इसीलिए मैं इस वक्त आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूं। इसमें संवेदनहीनता बिल्कुल महसूस ना कीजिएगा मैम। आप बोलेंगी, आपकी माता जी इस समय बहुत ज्यादा भावुक, और आपके लिए भी इस वक्त बहुत डिफिकल्ट टाइम्स हैं। आप क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो आज आप भारत से? आई एम प्राउड ऑफ माई फादर एंड ही वॉज माई इंस्पिरेशन, बट बींग अ एयरफोर्स पायलट्स डॉटर आई एम स्ट्रांग एंड वेर एवर ही इज ही विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट। आपको पता है आपके पापा सिर्फ आपके पापा नहीं इस देश के हीरो हैं, और वो सिर्फ आपके हाथ में नहीं, वो इस देश के हर नागरिक के हाथ में है, वो सबके हीरो हैं। आपको पता है? Yes, I know. आप हिंदी बोल पाते हो? हाँ। आप कुछ कहना चाहते हो अपने पापा के बारे में? क्योंकि कल हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब आपके भाई ने आपके पापा की जो कैप थी वो लगा ली थी, और आप यकीन मानिए सब लोग रोने लगे थे वो तस्वीर देखकर। मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, पर मुझे उन पे बहुत गर्व है। आपका नाम क्या है? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आराध्या, और मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। आराध्या, हमें आपके पापा पर भी गर्व है, हमें आपकी माता जी पर भी गर्व है, और हमें आप पे भी गर्व है। आप अपने पापा के बारे में कुछ बताना चाहते हो? वो हमसे बहुत प्यार करते थे और हम भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। वो हमेशा हमें खिलाते थे और बहुत अच्छे से पढ़ाते थे हमें। पापा से लास्ट टाइम बात कब हुई? मैं उनसे लास्ट मिली थी जब वो क्रैश हुआ था, वो थोड़ी देर को घर आए थे। आपको एयरफोर्स जाना है? आपको भी ज्वाइन करनी है एयरफोर्स बड़े होकर पापा की तरह? हाँ, वो काफी सारी चीजें बताते हैं। आप फाइटर जेट्स उड़ाना चाहते हो आराध्या? मैंने आपको सुना नहीं, फिर से रिपीट कीजिए। आराध्या क्या फाइटर जेट्स उड़ाना चाहती है? हाँ। तो पापा से इस बारे में बात करते थे कि पापा मुझे फाइटर जेट्स उड़ाने हैं, मुझे ये करना है, आप मुझे गाइड कीजिएगा, बताइएगा, फिर पापा क्या बोलते थे? हाँ, पापा कहते थे जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा, बट वो तब भी काफी सारी चीजें बताते थे कि वो कैसे उड़ाते हैं, कैसे मिसाइल लॉन्च करते हैं और सब कुछ। आराध्या, आपको जो पता है वो तो मुझे भी नहीं पता है, और इस देश के कई लोगों को नहीं पता है, और बल्कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, तो आपको हमसे ज्यादा पता है। तो आपको इसी तरह से स्ट्रांग रहना है, और जो आपने पापा को बोला है ना कि आपको फाइटर जेट्स उड़ाने हैं, तो आपको वही फाइटर जेट्स उड़ाने हैं। हाँ।
हमने आपकी जब कल तस्वीर देखी, आपकी मम्मा की तस्वीर देखी, आपके छोटू भाई की तस्वीर देखी, हमने देखा वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स थे। अभी आपकी मम्मा भी एयरफोर्स फैमिली की बात कर रही थी, तो जो ऑफिसर्स आए उन्होंने आपसे कुछ बात की, आपको कुछ समझाया, क्या कहा आपसे? हाँ, इन्होंने समझाया कि स्टे स्ट्रांग, और मम्मा को भी बोलो कि स्ट्रांग रहो। आराध्या, आप और कुछ बताना चाहते हो मुझे, कुछ कहना चाहते हो आप? और कुछ तो नहीं कहना चाहती, बट मैं बहुत खुश हूँ कि सारे जो अंकल आंटीज हैं एयरफोर्स के, वो हमारे साथ हैं। आराध्या, एक्चुअली सिर्फ एयरफोर्स के जो आपके अंकल आंटी हैं, वो आपके साथ नहीं है, आपके साथ हर इंडियन है। मैंने आपसे पहले भी कहा ना, आपके पापा सबके हीरो थे, आपके भी हीरो थे, मेरे भी हीरो थे, इंडिया के हीरो थे। आपके पापा तो इंस्पिरेशन थे ही। हाँ। आप, आपकी मम्मा, हाँ। आपका भाई, आप सब भी इंस्पिरेशन हो। स्टे स्ट्रॉन्ग आराध्या। Okay. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.